गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको जो SEN1 रिएक्शन और SEN2 रिएक्शन बताया गया था उसके बारे में जिक्र किया गया था और उसका नोट्स भेजा गया है, आप उस नोट्स से लिख लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। इसके बाद आपको अगला टॉपिक बताया जा रहा है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब तक क्या था कि केवल आप किसी कंपाउंड के बारे में या हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर कोई यौगिक कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो एथिल ब्रोमाइड जो होता है उसका फार्मूला होता है C2H5 को एथिल कहते हैं, इससे BR हो जाता है तो क्या हो जाता है एथिल ब्रोमाइड। इसी को क्या करना है आपको बनाना है। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है एथिल ब्रोमाइड को, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं एथिल अल्कोहल लेते हैं और एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा क्या जाएगा इसमें लिखा जाएगा जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, या आसवन करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसमें डायरेक्ट एथिल ब्रोमाइड नहीं बनाया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड को KBr और जो H2SO4 का सांद्र मिश्रण होता है इसको क्रिया कराते हैं और क्रिया कराने पर क्या बनता है ये H2SO4 टूट जाता है H+ आयन में और HSO4 आयन में, HSO4 को क्या कहते हैं ये टूट जाएगा H+ आयन में और HSO4- आयन में टूट जाएगा, इसे कहते हैं बाइसल्फेट। अगर सल्फेट के आगे इसे लगाओ तो इसे बाइसल्फेट क्या आ जाता है हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है और H भी टूट गया तो ये इतना भाग माइनस है और पोटेशियम में क्या होता है प्लस, इस पर क्रिया में क्या होता है माइनस, ये प्लस आयन इस माइनस आयन से क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर BR तो क्या बन जाएगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब जो पोटेशियम बाई सल्फेट बना है इस पोटेशियम बाई सल्फेट में जो HBr बना है इस HBr को क्या करेंगे एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। क्यों एथिल अल्कोहल से क्रिया कराया जा रहा है, क्योंकि एथिल अल्कोहल में कितना कार्बन है 2 कार्बन और आपको लाना है 2 कार्बन वाला यहाँ लाना भी है, इसलिए एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल से नहीं कराएंगे। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, इसका अगर HBr से योग कराया जाए HBr से इसलिए योग कराया जा रहा है इसमें क्या लाना है Br लाना है ब्रोमीन लाना है तो क्या होगा ये इतना भाग क्या हो जाएगा ये H+ में टूटेगा ये माइनस में टूटेगा ये बाहर वाला बाहर से बन जाएगा तो हो जाएगा C2H5Br बन जाएगा, ये बन गया एथिल ब्रोमाइड और HH और O ये बना देगा H2O, ये आपका प्राप्त हो गया एथिल ब्रोमाइड। चाहे इस तरीके से आप बनाइए या फिर इसको डायरेक्ट बना सकते हैं अथवा करके हम लिख सकते हैं अथवा C2H5OH और KBr और प्लस H2SO4 तीनों को साथ में गर्म कर देते हैं तभी क्या प्राप्त होगा यहाँ पर आपको एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5 इस Br से क्रिया कर लेगा तो हो जाएगा C2H5Br प्राप्त हो जाएगा प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करेगा तो KHSO4 बनेगा जैसे यहाँ बना हुआ था और फिर हाइड्रोजन और फिर बचेगा यहाँ पर फिर यहाँ पर पोटेशियम बच रहा है यहाँ पर पोटेशियम तो हो गया फिर यहाँ बच रहा है हाइड्रोजन और बच रहा है Br तो प्लस बन जाएगा HBr। इस तरीके से भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेप में यहाँ पर केवल 1 ही स्टेप पे लिख सकते हैं चाहे आप इसको लिखें या फिर इसको लिखें दोनों क्रियाएं सही हैं। इसके बाद एक फिगर बनाएंगे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है ये आपका उपकरण है, उपकरण को चित्रानुसार क्या कर लेते हैं व्यवस्थित
इसमें एक गोल पेटी का फ्लास्क होता है, नीचे बर्नर लगा है, फिर यहाँ पर निकास नली द्वारा यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से एडाप्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है बीकर है, बीकर में क्या हुआ एथिल ब्रोमाइड इकट्ठा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो फ्लास्क है ये फ्लास्क को एक बालू उष्मक में रखा गया है, ये बालू उष्मक बालूष्मक में रखा गया है। बालूष्मक में इसलिए रखा गया फ्लास्क को कि धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे बालूष्मक गर्म होगा, बालू गर्म होगा, धीरे धीरे फ्लास्क भी गर्म होगा, क्रियाएं जो होंगी धीरे धीरे होंगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं एथिल अल्कोहल कितना लेते हैं 40 ml लेते हैं और शांत सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेते हैं 30 ml लेते हैं, इसको पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण के साथ क्या करते हैं इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर इसमें जो गैस निकलता है गैस इसमें जाता है कंडेंसर अर्थात संघनित में जाता है, संघनित में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये एडाप्टर द्वारा क्या होता है धीरे धीरे बूंद के रूप में यहाँ आकर के एथिल ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो जाता है। एथिल ब्रोमाइड जो प्राप्त होता है एकदम शुद्ध नहीं होता है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, HBr और पोटेशियम सल्फेट इन सबकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं पृथककारी कीप आता है, उस पृथककारी कीप द्वारा क्या कर लेते हैं इसको छान करके अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध इस प्रकार शुद्ध एथिल ब्रोमाइड आपको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो आपका हो गया एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन हो गया। अगर कह दिया कि ऐसे आएगा एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप सबसे पहले इस रिएक्टर को लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद इसके बनाने की विधि लिखेंगे, बनाने की विधि क्या लिखेंगे उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर इसमें 40 ml क्या लेते हैं एथिल अल्कोहल लेते हैं और 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसके साथ पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या लेते हैं मिश्रण लेते हैं, फिर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है एडाप्टर में जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे बनाने की विधि लिखेंगे और एक फिगर बनाएंगे, इसके नीचे क्या करेंगे बनाने की विधि इसमें लिख देंगे। इसके बाद इसमें इसका रासायनिक गुण आप पढ़ेंगे, रासायनिक गुण में क्या है एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला है सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है, क्या बनता है ईथर बनता है। तो यहाँ पर क्या किया जाए एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराया जाए, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया यानी AOCH2 ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, ये रिएक्शन इससे पहले भी बताया गया था। ये क्या करेगा इसका प्लस होता है इसका माइनस होता है, दोनों क्रिया कर लेगा यानी बीआर बना लेगा, बाहर वाला बाहर से उठ जाएगा, बनेगा C2H5OCH3 प्लस बनेगा NaBr, C2H5OCH3 का नाम क्या होगा, C2H5 को क्या कहते हैं एथिल कहते हैं एथिल, और CH3 को क्या कहते हैं मेथिल, वो होता है तो क्या कहते हैं ईथर, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, क्या नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। फिर अगला है दूसरा विधि पोटेशियम थायो एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया
मिथाइल एल्कोहल से प्रक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसमें एल्किल मरकटन प्राप्त होता है। एल्किल मरकटन जैसे बस दो तीन घंटे का बता रहा हूँ, स्पीड ले जाए थोड़ा चल रहा है जी। CH5Br प्लस KHS इसकी क्रिया करता है पोटेशियम थायल सल्फेट से, इस पर प्लस इस पर माइनस के लिए दोनों क्रिया करेगा तो KBr बनेगा, बाहर वाला बाहर से जुड़ गया तो बना CH5SH प्लस बना KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया एथिल मरकटन। इसका क्या नाम हुआ? CH5Ethyl, इसका नाम हो जाएगा मरकटन। अगला है तीसरा, तीसरा है कि अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराया जाए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया होता है तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो इसमें इसी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देते हैं, जैसे CH5Br के बारे में आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो CH5Br को क्या करेंगे, मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में क्या करते हैं, मैग्नीशियम से क्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH5MgBr हो जाएगा। यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होता है, ईथर के प्रेजेंस में होता है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा CH5MgBr हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा CH5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं, और इसे इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपको प्राप्त हुआ, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक आपको प्राप्त हुआ। अगला, अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को दोबारा क्रिया करा दिया जाए किससे, फिनॉल से क्रिया करा दिया, C6H5OH, इसका नाम होता है फिनॉल, इसको क्रिया कराया जाए C2H5MgBr से क्रिया कराया जाए, C2H5MgBr से क्रिया कराते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें जो एल्केन प्राप्त होगा वो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा, और क्या बनेगा, बनेगा C2H6 प्लस बनेगा C2H6 हो गया, ये दोनों क्रिया करके फिर यहाँ बचा C6H5 बचा, यहाँ पर वो बचा, फिर यहाँ बचा MgBr, ये हो जाएगा C6H5OMgBr। तो आपको यहाँ प्राप्त हुआ एथेन, क्या बना, एथेन, एल्केन का एक कंपाउंड है एथेन। इस प्रकार आपको अगर एरोमेटिक कंपाउंड से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, आपको एल्केन प्राप्त होता है, और अगला यहाँ पर कोई कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको एथेन ब्रोमाइड का रासायनिक समीकरण बताया गया जो आपके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आप इसको रिविजन करते हैं जिससे आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू।